श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि बच्चे में ब्रेन ट्यूमर के क्या लक्षण हो सकते हैं। बच्चों में ब्रेन ट्यूमर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और बच्चों के ब्रेन ट्यूमर से संबंधित जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर बहुत ही चिंताजनक रोग है और यह बच्चों में एक गंभीर समस्या है। जब ट्यूमर दिमाग में विकसित हो जाता है तो आसपास के नाजुक उत्तकों की वजह से इसका इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण तब दिखाई दे सकते हैं जब उसके द्वारा ली गई जगह, जो अवांछित कोशिकाओं की जो वृद्धि है, तो उसके द्वारा ली गई जो जगह है दिमाग पर दबाव डालना शुरू करती है या ट्यूमर के क्षेत्र में काम करने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने लगती है। यदि शुरुआत में ब्रेन ट्यूमर का इलाज नहीं कराया जाए तो फिर जानलेवा साबित हो सकता है। और ब्रेन ट्यूमर अधिकतर 3 से 15 वर्ष की आयु में अथवा 50 वर्ष की आयु में विकसित होता है। यह रोग पुरुषों या महिलाएं किसी को भी हो सकती है। यह विशेष प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है और इसके कई लक्षण हैं, जैसे सर दर्द होगा, उल्टी आएगा, दौरे पड़ सकते हैं, सुस्ती आएगी, एक आंख में परेशानी होगी, चलने में लड़खड़ाहट होगी, चेहरे पर कमजोरी आ जाएगी, जो आपकी पलके हैं वो लटक जाएगी, बोलने में दिक्कत आएगा। अभी जो बच्चों में जो ब्रेन ट्यूमर के लक्षण है, मैं एक्चुअल स्थिति पे आता हूँ, उसका मैं बता रहा हूँ। सिर में दर्द ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षणों में एक है। इसमें अक्सर सुबह उठते ही तेज से दर्द शुरू हो जाता है जो दिन में ठीक हो जाता है। झुकने पर और व्यायाम करने पर यह सिर दर्द अधिक हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर में सुनने में परेशानी होती है। कानों में हमेशा ही कुछ आवाज सुनाई देती रहती है। इसके अलावा कमजोरी, बोलने व चलने में दर्द, मांसपेशियों पर घटता नियंत्रण, दोहरा दिखाई देना, आपकी चेतना घट जाएगी, ये सब आदि ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं और कारण भी हो सकते हैं। उल्टी और जी मिचलाना, चक्कर आना, दृष्टि संबंधी तकलीफ शुरू हो जाएगी। आपको जो आकृति है धुंधला दिखाई देगा। आंखों की जो नस है पापिलेडेमा, उसमें सूजन आना शुरू हो जाता है। ये सब ब्रेन ट्यूमर के लक्षण है। आपको दौरे पड़ेंगे, मांसपेशियां जो है उसमें एंट्रन शुरू होगी, हाथ या पैर में फड़कन होगी, फड़कना शुरू हो जाएगा और पूरे शरीर में फड़कन शुरू होगी। ऐसे रोगी कभी कभी बेहोश भी हो जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर की रोगी की याददाश्त पर भी असर पड़ सकता है। इसके रोगी को चलने में दिक्कत होती है और शरीर के एक भाग में कमजोरी महसूस होती है, बोलने में भी परेशानी होती है, बोलने या किसी के शब्द को समझने में कठिनाई होती है, लिखने में, पढ़ने में मामूली जोड़ घटाई में परेशानी होना शुरू हो जाता है, कुछ गतिविधियों के संचालन में परेशानी होती है। तो ये सब ब्रेन ट्यूमर के लक्षण है बच्चों में। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।